मोहम्मद मुजफ्फर अंसारी की रिपोर्ट के अनुसार दुमका शिकारी पाड़ा जिले के उपायुक्त पहुंचे शिकारी पाड़ा पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में हो रही कार्यवाही स्टोन क्रशर प्लांट की हो रही है जांच। बिना कागजात वाले क्रशर प्लांट को सील किया। जिले के लगभग सभी वरीय पदाधिकारी को कार्यवाही किया गया शामिल। दुमका जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, जिला प्रशासन की टीम ने दुमका के शिकारी पाड़ा पत्थर औद्योगिक क्षेत्र मेवड़ी कार्यवाही करते हुए स्टोन क्रशर और उसके कार्यालय को ध्वस्त किया गया। अभी तक की कार्यवाही का मोर्चा दुमका DDC करण सत्यार्षी और दुमका का SDM महेश्वर महत्व संभाल रहे थे, लेकिन जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए और खुद रेलवे रैक पॉइंट पहुंच गए जहां से स्टोन चिप्स को कई राज्यों में भेजा जा रहा है। खबरें थी प्रशासन के पास। DC साहब और SP साहब के निर्देश पे आज जो है कि कुल 15 टीम गठित की गई है और सबको फोर्स दिया गया है, मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है और जगह जगह पे अवैध माइंस चला रहे हैं या फिर क्रशर प्लांट है उन लोग की वैधता की जांच की जा रही है और उस पर कार्रवाई की जा रही है और जो भी वैध कागजात नहीं दिखा रहे हैं उन पर हम लोग ध्वस्त कर रहे हैं और उस पर हम लोग जो भी लोग उसमें संलिप्त हैं उन लोग पर कांड दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी और जो भी पोकलैन रहे, JCB रहे या हवा रहे या उसे संचालन अवैध संचालन से संबंधित जो भी सामान मिले उसको जब्त कर रहे हैं और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद है कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की इलीगल गतिविधि ना चले और हम लोग लगातार इसमें प्रयासरत हैं।